विंटरलाइन कार्निवाल के तहत आयोजित स्टार नाइट कार्यक्रम में हिमाचल के मशहूर गायक विक्की चौहान और प्रियंका मेहर के गीतों ने समा बांध दिया। कार्यक्रम में प्रस्तुति देने पहुंची प्रियंका ने अपने गीतों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और लगातार एक के बाद एक गढ़वाली, हिमाचली और हिंदी गाने सुनाकर जमकर तालियां बटोरी। हिमाचल के मशहूर गायक विक्की चौहान के मंच पर पहुंचते ही श्रोताओं ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया और विक्की चौहान ने मासू देवता की वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं दर्शक दीर्घा में बैठे महिला और पुरुषों द्वारा जमकर नृत्य किया गया। विक्की चौहान ने कहा है कि मसूरी आकर उन्हें यहां के लोगों का बहुत ही प्यार मिलता है और वह पिछले कई वर्षों से मसूरी विंटरलाइन कार्निवाल में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। वहीं प्रियंका महन ने कहा है कि पहाड़ों की रानी मसूरी उन्हें बेहद पसंद है और उन्होंने अपने गीत के माध्यम से भी यहाँ की खूबसूरती को बयां करने की कोशिश की है। ये कहूँगी कि मुझे बहुत मज़ा आया, पहली बार मैंने मसूरी में शो किया है, मैं बहुत बार मसूरी आई और विंटर कार्निवल में मेरे को हमेशा से परफॉर्म करना था, इस बार मैंने किया और जनता ने इतना सपोर्ट किया। आर्टिस्ट को जब तालियां ज़्यादा मिलती हैं तो उसको और मज़ा आता है, वो और एंटरटेन करता है, तो बहुत मज़ा आया और मैं दोबारा भी आना चाहूँगी। मैडम, जैसे लगातार आपके कर्मों पर देश विदेश में बहुत सारे आपके सब्सक्राइबर और व्यूअर्स भी हैं और आप इसके गाने लगातार लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पहाड़ी कल्चर आपके लिए बहुत जरूरी है और पहाड़ी गाने में ही आपको लगातार प्रोत्साहित किया जाता है दोस्तों आपकी तरफ से? तो मेरी शुरुआत पहाड़ी गानों से ही हुई है, तो हमेशा मैं ज़िंदगी में कहीं भी, ऑब्वियसली मुझे बहुत आगे बढ़ना है तो मैं कहीं भी ज़िंदगी में अपने आगे जाऊँ, कहीं भी पहुँचूँगी, पर मैं अपने पहाड़ी गानों को कभी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैं खुद पहाड़ी गानों में डांस करना पसंद करती हूँ। तो मैं हमेशा ही, और आप एक चीज़ आप सभी लोग देख रहे होंगे कि अब उत्तराखंड के गाने बाहर भी लोग सुन रहे हैं, इंडिया लेवल पर गाने चल रहे हैं, ठुमक ठुमक सबको पता है, जरूर, मतलब सिर्फ पहाड़ी लोग ही नहीं सुनते उसको, तो पहाड़ी गाने भी अब आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा उसको वेस्टर्न स्टाइल में थोड़ा फ्यूजन करके इसलिए बनाते हैं ताकि सभी लोग उसको सुने। इस भीड़ में मजा आएगा कार्यक्रम करने का, क्योंकि मसूरी की जो भीड़ है और जब भी मैं यहाँ आया हूँ लोगों ने बहुत प्यार दिया है और बहुत ही मजेदार यहाँ पर क्राउड है और वो पहाड़ी गीतों को, पहाड़ी संस्कृति को, पहाड़ी कल्चर को, पहाड़ी गीतों को बहुत पसंद करते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि अपने लोगों के बीच आके जो लोग मेरे गीतों को सुनते हैं और जिन्होंने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया आपके चैनल के माध्यम से, उनका मैं सब लोगों का शुक्रिया करता हूँ कि आपने इतना प्यार दिया। ये ब्लेसिंग्स होती हैं लोगों की, शायद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ फेड आउट हो जाती है। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उससे बाहर उभरा हूँ, उभरने के बाद वो जो चीज़ें थी शायद वो ब्लेसिंग्स मेरे पेरेंट्स की थी, मेरे उन चाहने वालों की थी, जिनकी वजह से मैं आज भी आप सबके बीच स्टेज पे गा रहा हूँ। तो आजकल जो पॉपुलर चल रहा है वो किंदे चाले बाटिनो, किंदे चाले तू, ठुमक ठुमक माया किंदे चाले तू। थैंक यू, थैंक यू।